झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम में नवरात्र के अवसर पर चक्रधरपुर के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा पोटका को साई में स्थित समर्थ एजुकेशन संस्था में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के बीच भोजन का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन कुंदन गोप, एशियन कराटे चैंपियन पूजा बेहरा, अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग विकास दहिया, राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग भूपेन्द्र सिंह के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने शिक्षक रूप प्रधान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी बच्चों को भविष्य में खेल संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे स्वयं इसके निदान हेतु खड़े रहेंगे। इस अवसर पर चक्रधरपुर थाना के सब इंस्पेक्टर ने भी शिरकत की एवं बच्चों का मनोबल बढ़ाया। मौके पर काफी संख्या में बच्चे एवं शहर के अन्य लोग मौजूद थे। जी बताइए, किस चीज को लेकर कार्यक्रम किया गया था आपके तरफ से? सबसे पहले प्रणाम आप सभी चक्रधरपुर वासियों को, आपको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैं कुंदन गोप और विकास दहिया और भूपेंद्र जी, जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर्स हैं, हम लोग कल नवरात्र के शुभ अवसर पर बच्चे लोग के बीच में भोग वितरण किए हम लोग। और जैसे कि आप सब जान रहे हैं, अभी COVID-19 की वजह से हमें जितना भी सफ़र करना पड़ रहा है, तो अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छा कैसे मनाते हैं। तो हम सोचे कि जो हमारे होसाई है कोट का, वहाँ पे बच्चे लोग के बीच में हम दुर्गा पूजा को, मतलब नवरात्रि को, इस तरह से हम मनाएं। और आगे भी कोशिश है कि उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते जाएं। हम तो ये जो कार्यक्रम के किस अवसर पर के किस खुशी को ये लेकर? तो हमारा 1 ईयर सक्सेस था। लास्ट ईयर में इसी टाइम पे एशियन गोल्ड मेडल जीत के आई थी, और साथ में हमारे कुंदन गोप वो भी, तो हम दोनों का ही 1 ईयर सक्सेस के ये से हम लोग किए थे। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।